नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं बसेलवा कॉलोनी और ये जो आप देख सकते हैं हमारे सामने जय सिंह जी खड़े हैं। इनके साथ कुछ धोखाधड़ी का मामला है, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ था। जी जय सिंह जी, क्या हुआ था आपके साथ? सर जी, हम बैंक में एफडी कराने लिए गए थे। हमने वहाँ जो मैडम बैठी थी, हमने उसको एफडी करने के लिए बोला था, लेकिन उसने धोखाधड़ी से अपनी बात पीएनबी मिड लाइफ की बात छुपा के हमसे और पीएनबी मिड लाइफ की पड़ोसी बना दी एफडी की जगह। कौन सी बैंक में गए थे जैसे? ये पंजाब नेशनल बैंक ओल्ड फरीदाबाद मिड मार्केट के पास। जी कब की बात है ये? ये सर साल भर से ज्यादा हो गया है। हमें जब पता चला इसका, जब हमारे पास उसके मैसेज आने लगे किस्त जमा करने के लिए साल की, जब हमें उसका पता चला और हम उसको एफडी तुड़वाने गए, तो उन्होंने हमारे को पीएनबी मिड लाइफ 19 सेक्टर के ऑफिस में भेज दिया। वहाँ हमारे साथ गलत बर्ताव किया गया और उन्होंने कहा जहाँ भी जाना है वहाँ चले जाओ, एक पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये आपको पता कैसे लगा कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? सर ये धोखाधड़ी इसलिए होगा ना, हमने तो एफडी के लिए बोला था और उसमें तो हर साल पता चला है कि पैसे जमा कराने पड़ते हैं। हमारे पास तो इतना पैसा ही कहाँ है, जो पैसा था हमारे उसने एफडी करा दी। अब हम कहाँ से 4 लाख रुपए कहाँ से वो कराएं? नहीं, वो आप एफडी करा के आए थे, लेकिन आपको ये एक साल बाद कैसे पता लगा कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है? एक साल बाद यही पता चला जी, जब हमको वहाँ मिड लाइफ के ऑफिस में भेजा गया, जब हमें पता चला ये तो हम गलत जगह भेज दिया गया हमको, क्योंकि हम तो बैंक की एफडी कराने के लिए गए थे। हमको ये नहीं बताया गया कि मिड लाइफ का ऑफिस 19 सेक्टर में है या बैंक से बाहर है, ये नहीं बताया गया हमारे को। हमारे साथ धोखाधड़ी करी गई है। तो अब क्या कह रहे हैं वो कि पैसे जमा करने के लिए? वो कह रहे कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, एक पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। ये जो पॉलिसी थी इसमें क्या सिस्टम था, कैसी थी ये पॉलिसी, इसमें हर साल पैसे जमा कराना पड़ता? ये हमें कुछ नहीं बताया है, ये तो हमें बाद में पता चला जब हमारे पास मैसेज आने लगे हैं। हमने तो सिर्फ एफडी के लिए बोला था, अभी चलो एक बार एफडी करा दो, जो लास्ट में पैसा होगा मिल जाएगा। तो अभी बाद में क्या पता चला, इसमें हर साल 1 लाख रुपए? अब जैसे बात होती है वहाँ लोग बाग बताते हैं भाई इसमें हर साल जमा कराना पड़ता है, हमारे पास तो इतना पैसा कहाँ था, जितना पैसा था हमने सबके एफडी करा दी। तो क्या नाम था वो जो मिड लाइफ वाली जो बैठी थी? उसका नाम था जी सुमन था, उसका मोबाइल नंबर मैंने कागज में लिखा हुआ है। मैंने बैंक मैनेजर को कंप्लेंट दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसके बारे में जी। बैंक मैनेजर का क्या नाम है? बैंक मैनेजर अतुल सैनी जी। अतुल सैनी जी, हाँ जी। ये पंजाब नेशनल यहाँ 19 सेक्टर क्या? ओल्ड मार्केट में जी। तो आपने फिर कंप्लेंट करी क्या? हमने बैंक मैनेजर को कंप्लेंट करी जी, बैंक मैनेजर मिड लाइफ वाली के मैडम के लिए छोड़ देता है। आपने एफआईआर करी क्या? नहीं सर, एफआईआर तो नहीं करवाई है। वो कहते हैं, लोग बाग कहते हैं एफआईआर में कोई सुनवाई नहीं होती है उसमें, और मेरे खाते से भी 98,000+ रुपये निकल गए हैं। मैं वहाँ पूछने गया बैंक में, मैंने कहा जी मेरे खाते से मेरे बगैर परमिशन के पैसे कैसे निकले हैं? वो कहते हैं जी आपसे धोखेधड़ी से आपको पता नहीं, आपके साइन करा लिए गए हैं इसे, और ये है कि आप हर साल आपके खाते से पैसा निकल जाएगा। तो आपने फिर उनसे कहा नहीं कि जी? मैंने जरूर एप्लीकेशन में सब चीज़ लिख कर दिया है जी, मैंने उनको लिख कर दिया है, हमसे ब्लैंक पेपरों पर कागज साइन कराए गए हैं। दूसरी मैडम जो आई है प्रियंका नाम की, उसने भी हमसे 2 वाउचरों पर साइन कराए हैं, 2-2 लाख के इन पे जी, मैडम के जो पॉलिसी बनाई है उसके लिए। हमने मैनेजर को क्लियर लिखा है उसमें एप्लीकेशन में कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी हुआ है, हमारे बैंक अकाउंट्स के लिए भी खतरा है, जो उन्होंने गलत साइन कराए गए हमसे। तो अब वहाँ कितने पैसे की जो एफडी कराई थी आपने, और हर साल जो आपको कितने पैसे इनके हिसाब से जमा करने हैं? सर 2 लाख की उन्होंने मैडम के नाम करी है जी। वो उन्होंने अपनी मर्जी से करी है, हमने नहीं कहा उसको, वो 2 लाख की उन्होंने मैडम के नाम कर दी। उसमें ये 2 लाख हर साल वो भरना पड़ेगा, 1 लाख की मैंने मेरे नाम से करी है उन्होंने, और 1 लाख की मेरे लड़की के नाम से है। तो अब 2 लाख मैडम का, 1 लाख मेरा, 1 लाख लड़की का, 4 लाख रुपया हर साल कहाँ से जमा कराऊँ मैं? मेरे को बुढ़ापे की 2500-2550 रुपये पेंशन मिलती है, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। और जो टोटल पैसे आपके गए हुए हैं वो कितने हैं? टोटल 7 लाख रुपये पहुँच गए जी उनके पास में। 7 लाख रुपये? हाँ जी, एक पैसा देने को राजी नहीं है, कहते हैं जहाँ जाना वहाँ चले जाओ, एक पैसा नहीं मिलेगा। वो कागज दिखाएं जरा एक बार जो एफडी कराई थी इन्होंने। तो फरीदाबाद आपको बता दें, ये जो मामला है जय सिंह जी के साथ जो हुआ है, ये पंजाब नेशनल में अपनी एफडी कराने गए थे और वहाँ मिड लाइफ वाले बैठे हुए थे।
जिन्होंने अपनी पॉलिसी इन्हें बेच दी और इन्हें कुछ भी नहीं बताया उसके बारे में। वो पर्चा भी ले आए जो छपवाए थे, जो इन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी कि क्या पॉलिसी है, किस तरह की है और इसमें हर साल कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे, क्या है, ऐसा इन्हें कुछ भी नहीं बताया गया। और एक साल बाद जब इनके पास मैसेज आने शुरू हुए तो इन्हें पता लगा, उसके बाद ये जब वहाँ ब्रांच पहुँचे तो इन्हें पता लगा कि ये जो 1-1 लाख रुपए हैं वो हर साल जमा करने पड़ेंगे आपको। तब ये परेशान हुए और इन्होंने बैंक मैनेजर से शिकायत की, पर वहाँ भी कोई समाधान नहीं निकला। अब देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो FD के नाम पर इन्होंने कराई थी, ये मिड लाइफ से, ये देखें, ये जो सारे और इस पे आप देख सकते हैं, ये PNB मेट लाइफ है, इसमें लोग बात होके में आ जाते हैं। और इन्होंने पर्चा भी छपवाया है, पर्चा दिखाएं जी एक बार, आप देख सकते हैं फरीदाबाद, ये जो इन्होंने पर्चे छपवाए PNB में FD के नाम पर, महाधोखा, महा फ्रॉड साथियों। PNB में एक ऐसा ग्रोह सक्रिय है, जब आप बैंक में FD कराने जाएंगे तो आपको FD ना करके PNB मेट लाइफ पॉलिसी बना देंगे। तब जब आप उसके सालाना किस्त जमा ना कर पाओगे तो आपका सारा पैसा लैप्स हो जाएगा और आपसे ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपके बैंक खाते से पैसा निकाल लिया जाएगा। ये सब बैंक की छत्र छाया में हो रहा है। मेरे साथ भी 7 लाख का फ्रॉड हुआ है, ये कमीशन के चक्कर में वृद्ध व कम पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये सब बैंक मैनेजर की आंखों के सामने हो रहा है। तो फरीदाबाद ऐसे इन्होंने जो पैम्पलेट्स भी छपा कर बांटे हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? आप जो हमें बुलाया है तो आप क्या चाहते हैं? हम कहेंगे साहब, आपके माध्यम से कोई हमारे को हेल्प मिल जाए ताकि हमारा पैसा वापस हमारे बैंक अकाउंट्स में आ जाए। ओ, आपने फिर कंप्लेंट की क्या है? कंप्लेंट नहीं करेंगे क्या आप? पुलिस में तो करी नहीं है, लोग बात कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होगी, पुलिस में कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने अपने सारे कागज से आपसे धोखाधड़ी से साइन करा लिए हैं, उनका कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने वहाँ आपने जाके बोला नहीं कि जी ऐसा मेरा ये जो भी पॉलिसी वगैरह है इसको बंद कर दो आप और मुझे इसका जो 1 साल का जो ब्याज है या और पैसा वो नहीं चाहिए, मेरे खाली पैसे वापस मुझे कर दो, मैं ये नहीं कर सकता हूं। मैंने सर उसके खूब रिक्वेस्ट कर लिए, कई बार गया हूं मैं, कई बार रिक्वेस्ट कर लिया, कोई वहां सुनने वाला नहीं है। तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं मिलेगा आपको। वो जो 7 लाख रुपए, हाँ जी, वो भी गई है आपके, उसमें नहीं मिलेगा। जहाँ जाना है, जहाँ शिकायत करनी है, वहाँ शिकायत कर दो। और अगर आप ये जो 4 लाख हर साल का जमा करते रहेंगे तो उसके बाद? उसके बाद भी हमें तो उम्मीद नहीं है, हमें तो विश्वास ही खत्म हो गया उनका। जब हमें वो नहीं, अभी नहीं दे पाए तो बाद में क्या पैसा देंगे हमें? हमारा तो विश्वास खत्म है इससे। तो फरीदाबाद देख सकते हैं आप किस तरह की धोखाधड़ी जो हो रही है बैंकों के अंदर भी, लोगों के साथ ऐसी धोखाधड़ी हो रही है जहां से लोगों का विश्वास उठ गया है। और हमारे साथ हैं जी, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। नरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये सब बैंक मैनेजरों की चाल है, बिना बैंक मैनेजर के प्राइवेट आदमी बैठ नहीं सकता बैंक में, और ये धोखा हो रहा है। बैंक मैनेजर से मिलते हैं वो बात ही नहीं करता है। तो वैसे ये जो इनके साथ हुआ है, वो कह रहे हैं कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई कि ऐसे भी पैसे जमा करने थे या क्या था, तो ये नहीं कराते अगर इन्हें पूरा पता होता तो? इनसे कोई ऐसी बात नहीं करी, इन्होंने तो खाली जैसे FD के लिए बोला था, उस मैडम ने इनके साथ धोखा कर दिया, 1 FD कर दी और बाकी 3 पॉलिसी ऐसे ही बना दी अपनी मेट लाइफ की। और इनको 1 साल बाद पता चला जब फोन पे मैसेज आया कि भाई अपने पॉलिसी में 1 लाख रुपए और जमा करने हैं। अच्छा, ये वहाँ पे जाते हैं तो मैनेजर से बात करते हैं और किसी से बात करते हैं, तो किसी ने कोई इन्हें सही सलाह नहीं दी। इनको ये बोल दिया भाई 19 सेक्टर में मेट लाइफ का ऑफिस है, वहाँ पे जाइए आप। तो ये वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने कहा भाई हमारे पैसे वापस दे दो और हमें आगे चलानी नहीं है। उन्होंने कहा पैसे तो मिलेंगे नहीं, पैसे तो लैप्स हो जाएंगे। तो इनके साथ धोखाधड़ी की गई है, कैसे भी हो इनका पैसा वापस मिलना चाहिए जी। जैसे कितनी उम्र है आपकी? उम्र मेरी होगी सर 68 के करीब होगी जी। 68 के? तो तबीयत खराब रहती है, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ क्योंकि 4-5 हज़ार के तो मैं मेरे महीने की दवाई ले, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, मेरी दोनों किडनी का ऑपरेशन हो चुका है और कई तरह की समस्या है मेरे को।
और उसके बाद भी जो 7 लाख रुपए तो जमा पूंजी थी पूरे जीवन की, वो आपने लगा दी है? सर, बुढ़ापे के लिए हमने रखी थी कि चलो हमारे बुढ़ापे में कुछ काम आएंगे, इससे हमारा खर्चा पानी चलता रहेगा, लेकिन हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया बैंक ने। तो आप बैंक प्रशासनों से या सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि जो ये आपके साथ हुआ है? हम तो बैंक प्रशासन से या सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से हमारा पैसा वापस बैंक में आ जाए, बगैर ब्याज भी ना दे तो वैसे ब्याज वो आ जाए हमारे बगैर ब्याज के। हाँ जी, यही हमारी रिक्वेस्ट है जी। तो देख सकते हैं फरीदाबाद कि किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की जाती है। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद।